हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सीओ निखिल शर्मा, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, 2024 की जो एनसीसी भर्ती है, सभी को डेट मैंने बता दिया कि 31 अगस्त तक सबकी भर्ती हो जाएगी। लेकिन बीच में ये यूपीपी का एग्जाम आ गया और कुछ बच्चों का क्या हुआ, एनसीसी का दिन जो टल के आगे चला गया। ठीक है, भर्ती मान लीजिए 29 तारीख को थी, तो किसी का 2 तारीख हो गया, 3 तारीख हो गया, 5 तारीख हो गया। ठीक है, किसी कॉलेज में क्या एनसीसी यूपीपी का सेंटर आ गया, उत्तर प्रदेश पुलिस का। ठीक है, जितने यूपी वाले हैं उनको मैं बता दूँ, आप सभी का एनसीसी का डेट टल गया तो ज़्यादा घबराना नहीं है। ठीक है, आप सभी देखिए, जो मैंने पुराना नोटिस दिखाया था, ये वाला नोटिस जो है पुराना है। ठीक है, जो मैंने आप सभी को बताया था 31 अगस्त से पहले आप सभी की एनसीसी की भर्ती हो जाएगी, लेकिन अब यहाँ पे इसको हटा दिया गया, फिर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, तो आप लोग के लिए मैं ये ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन लाता रहता है जो बटालियन के थ्रू आता है, तो आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, अब ये मैं आप सभी को दिखाता हूँ न्यू नोटिफिकेशन आप सभी की भर्ती कब होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो न्यू नोटिफिकेशन है, इसमें भाई आप लोग देख सकते हो कि आप सभी की भर्ती कब होती है। ठीक है, ये 45 बटालियन के थ्रू से आया है, ऐसे हर बटालियन के अकॉर्डिंग आते रहते हैं नोटिफिकेशन। ठीक है, हर बटालियन को ऐसे बताया जाता है। ठीक, अब आप सभी के बटालियन में किस दिन है, आप सभी के अगर आप देखो एनसीसी करना चाहते हो तो रोज कॉलेज जाना स्टार्ट कर दो, पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, एनसीसी क्या रनिंग निकाल लोगे फिजिकल। और हाँ, इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी अगर आप लोग एनसीसी ज्वाइन में फिजिकल रनिंग इस समय मैं देखिए हमारे कॉलेज पे, हमारे क्षेत्र के 2-3 कॉलेज पे जो भी मैंने वहाँ पे फिजिकल की भर्ती प्रक्रिया हुई, मैंने टोटल इन्फॉर्मेशन अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया, ताकि आप सभी को कुछ सहयोग हो कि आखिर रनिंग कैसे होता है, फिजिकल में क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहेगा आप लोग YouTube चैनल पे। और देखिए यहाँ पे जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, ये देखिए दूसरा नोटिफिकेशन है और इसमें 9 सितंबर तक डेट जारी किया गया है, लास्ट डेट 9 सितंबर तक। ऐसे एनसीसी की भर्ती प्रक्रिया होती रहेगी, और इसके बाद आप सभी लोग अगर चाहते हो कि एनसीसी भर्ती होने के बाद परेड सीखना, तो हमारे वीडियो पे कमेंट जरूर करना। मैं सीओ निखिल शर्मा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।